ट्रैवल से बताऊँ कहीं ट्रेडिंग में जाने वाले रिलेटेड प्रोडक्ट यूज हुआ है और आज हम बात करने वाले हैं नूबिया के F6 के बारे में। तो ये जो आपने नूबिया का एक सिक्स गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में सुना होगा, लॉन्च हो चुका है भारत में, इसके अंदर क्या सिचुएशन है, क्या कुछ नया देने वाला है और इसका फीचर कैसा है, कैसे वो करता है, इसका कैमरा भी कैसा होने वाला है, इसकी बैटरी क्या होगी, मैंने मोबाइल से क्या मिला वो भी देख ली आगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट। तो जो हम जय माता दी बोलो और कर डालो। चलिए दोस्तों चलते हैं। अब जैसे कंपनी है उन्होंने ये नूबिया को ऑन कर रखा है और वही ये लॉन्च करती है। वैसे देखा जाए तो मार्केट में ब्लैक शार्क 2 और सबसे ज्यादा ब्लैक शार्क 2 जो Xiaomi का है वो इसके साथ बिग कंपटीशन में है और दूसरे भी और हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा कंपटीशन मुझे अभी नजर आता है। तो जिन सजेशन की आपके सामने मैं रखूँ तो कुछ इस तरीके से है, इसकी स्क्रीन के बाद तो 6 इंच की डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, काफी अच्छी डिस्प्ले है और आपने मतलब 7 प्रो की अगर 90Hz की डिस्प्ले देखो कि वैसी ही डिस्प्ले है और साथ में 90.5 के साथ ये आती है जो भी काफी अच्छी है स्क्रीन के मामले में और इसका रेजोल्यूशन भी काफी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके प्रोसेसर की जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है गेमिंग स्मार्टफोन के लिए वो है दोस्तों इसके अंदर 855 का लेटेस्ट का क्वालकॉम प्रोसेसर। ये तो पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हो चुका था लेकिन अब धीरे धीरे ये आ रहा है फोन में भी और 855 का प्रोसेसर ये इसको काफी अच्छा गेमिंग फोन। अब दोस्तों जैसे कि हमने इसके प्रोसेसर की बात कर लिया, 855 का कॉलकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर कैमरा, अब कैमरा भी तो इम्पोर्टेंट है। कैमरे की बात करूँ तो इसमें दोस्तों 40MP का रियर में आपको कैमरा मिल जाएगा सोनी के IMX586 के सेंसर के साथ जो कि काफी अच्छा है। उसकी अगर मैं पैचर की बात करूँ तो 1.7 है जो कि काफी अच्छी खासी आपको लो लाइट में भी हो डिस्प्ले में आपको इमेजेस क्लियर करके दे देगा लेकिन आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी फोन के नंबर में आपको बताइए। अब बात करूँ उसके फ्रंट में सेल्फी लेवल के लिए 16MP का कैमरा दे रखा है इन्होंने फ्रंट में जिसका पैचर अभी कुछ 1.2 या 1.3 है, काफी अच्छा है दोस्तों इसका सेंसर भी क्योंकि अच्छी खासी क्वालिटी ये भी आपको दे देता है। अब सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो इन स्मार्टफोन में होती है वो है उसकी रैम और रोम। अब रैम की बात करूँ यानी कि इसकी रैम की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा दोस्तों 4GB एंड 6GB दोस्तों। इसके कैमरा के साथ साथ मैंने 16MP कैमरा इसके फ्रंट में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग की बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो हम 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4MP के कैमरा के साथ। ये दोस्तों इसका सेंसर जो हमें सोनी का IMX586 मिल रहा है वो हमें इजीली अवेलेबल करा देता है कि हम 8K में वीडियो ले पाए। मैं सोचती हूँ दोस्तों 8K में आप वीडियो ले पा रहे हैं और क्या चाहिए। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं कीमत और इसके रैम के वेरिएंट के बारे में। सबसे पहला रैम वेरिएंट इसका आने वाला है 208GB का जो है 128GB की स्टोरेज के साथ दोस्तों। उसका प्राइस रखा गया 35,999 रुपीज इंडिया में और साथ में साथ अगर दोस्तों दूसरे वेरिएंट की बात करूँ तो वो है आपका 212GB का 256GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ जो पड़ेगा आपको 46,999 रुपीज का रिस्पेक्टिवली इंडिया में। और वैसे तो आउट ऑफ स्टेट में सस्ता ही है दोस्तों। बात करूँ मैं इसके सबसे अच्छे वाली बात की वो है इसकी बैटरी की तो वो है इसकी 5000mAh की बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। तो और क्या चाहिए इसके अंदर दोस्तों एक स्पीकर है 3D साउंड स्पीकर आपको मिलता है साउंड सिस्टम ताकि जब आप गेम खेलते हैं तो वो गेमिंग का एक्सपीरियंस आता है ना एक अच्छा खासा तो वो आपको क्रिएट करके देता है दोस्तों 3D स्टीरियो सिस्टम जिसका साउंड सिस्टम है काफी अच्छा है दोस्तों इस मामले में और हमें इसके अंदर बिल्कुल भी करना नहीं है दोस्तों। एक बार मैं बताना भूल गया वीडियो में स्क्रीन की 2.5D की इसके अंदर प्रोटेक्शन ग्लास है वो भी गोरिल्ला ग्लास ये दोस्तों 2.5D की 7 RE की प्रोटेक्शन और तो हमें उसका चाहिए ही चाहिए दोस्तों। इन्होंने स्क्रीन में काफी अच्छी खासी देखी है, कैमरा भी हमें अच्छी खासी दे दी है। प्राइस में दोस्तों प्राइस थोड़ा लिटल बिट हाई नहीं है हमें देखा जाए तो क्योंकि 8GB और 12GB हमें वेरियंट दे रहे हैं और अगर हम जाएं तो फिक्स प्राइस में तो हमें शार्क 2 भी मिल जाता था। अगर आप दोस्तों शार्क 2 को नहीं देखा है तो अभी जाके वीडियो देख लीजिए, आई बटन हमने दे रखी है काफी अच्छा है दोस्तों। वो स्मार्टफोन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों के बीच में क्लैश अच्छा खासा होने वाला है इंडिया में। एक तरफ Xiaomi जो है इंडिया की लवर और दूसरी है नूबिया का
ये भी 200 इंडिया के गेमिंग लेवल स्मार्टफोन के लिए हैं। अब तो सब देखने वाली बात होगी, पबजी लेवल किसे देखेंगे, उसे ही आई सी आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कौन सा स्मार्टफोन का जिक्र करेंगे, Xiaomi का शांतू या हमारा Nubia का है? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी जाइए और बताइए फटाफट, मैं उसको कुछ जानने के लिए आपकी ओपिनियन। और साथ के साथ दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों का शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता चले यार Nubia एक्चुअली लॉन्च हो चुका है और वो कंसिडर कर सके एक और ऑप्शन, जितने ज़्यादा ऑप्शन उतने ज़्यादा मिलता है। अभी शेयर करो कर सकते हैं, यहाँ शेयर करना वहाँ शेयर करो, कोई मना ही नहीं है, जवा के शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो विनम्र निवेदन कर दीजिए, और कुछ नहीं मांगते विनम्र निवेदन कर दीजिए और करो करो और मैं बोल देता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।